तस्वीरें दिखा रहे हैं रायपुर सीए जहांतागढ़ टीपकांड मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, उसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके मतलब मंतूराम पवार का भारतीय जनता पार्टी में अपमान हुआ है, जगह नहीं मिला। कांग्रेस ने मुझे पहचान दिया, मैं 22 तारीख तक कांग्रेस में था और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे धोखा दिया, जिसके चलते हुए मैं अपने विवेक से सोचा कि मैं न्यायालय के शरण में जाऊंगा। मैं 7 तारीख को न्यायालय के शरण में गया और 164 की बयान दिया, जो यानी कि शुरू से लेकर अभी तक घटना घटा उसके बारे में मैंने कहा। और मेरे को 10 तारीख को इन लोगों ने पार्टी से निलंबित किया, वो भी दादागिरी करके निलंबित किया। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, उसका दुहाई देते हैं। मंतूराम पवार गलत किया होगा, मंतूराम पवार सही बताया होगा, मैंने तो इसलिए सही बताया था क्योंकि ये 15 साल में भारतीय जनता पार्टी का स्थिति डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में धीरे 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 समाप्त की ओर बढ़ रही है। 2018 के चुनाव में हम सब लोगों ने देखा, उसके नेतृत्व में 15 साल में मात्र 15 सीट आया, तो इससे हमको जाहिर हो रहा था। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता तक अपने बात को पहुंचाना चाह रहा था, क्योंकि अंतागढ़ का उपचुनाव, अंतागढ़ का टेप कांड, अंतागढ़ का लेन देन की जो मामला था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में विलय हो चुका था। दबे हालत में लोग कहते थे कि डॉक्टर रमन सिंह ने मंतूराम पवार को खरीदा है, डॉक्टर रमन सिंह के माध्यम से ये सारी घटना घटी है, जिसका परिणाम 2018 में देखने को मिला। मेरा तात्पर्य ये था, इस बात को केंद्रीय लेवल पर पहुंचे और जो गलत किए हो, चाहे आपका डॉक्टर रमन सिंह हो या मंतूराम पवार, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये तो उल्टा हुआ, उल्टा तो कोतवाल को डाटे। मंतूराम पवार बोलने वाला, रास्ता दिखाने वाला, मंतूराम पवार को रमन सिंह ने दादागिरी करके निकाल बाहर किया। और मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह या भारतीय जनता पार्टी का दादागिरी नहीं चलने वाला। ये बात हुई। उसके बाद लेन देन की बात हम करते हैं। आखिर के ये बताएं, मैं कब तक से हूं एक ईमानदार आदमी, एक आदिवासी नेता? मेरे नाम से पैसा लिया गया, मंतूराम पवार को बिना विश्वास लिए, बिना पूछे किसी ने खरीदा, किसी ने बेचा। ये बेचने वाला कौन है, खरीदने वाला कौन है, इसको भी मैंने उजागर किया है। बेचने वाला हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इनसे हमारा बात होती थी। ये खरीदी बिक्री पैसा की बात करते थे, ये पद की बात करते थे। और दूसरी बात, डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ मैं बैठता था शुरू में, तो पूछता था, बोले आपने पैसा किसको दिया? तो रमन सिंह बोलते, नहीं मिला क्या? मैं बोला मिला ही नहीं हूं। तो बोले भैया कितना पैसा आपने दिया? तो बोले 7 तो मैंने यानी कि भेजवा दिया था। ये मेरे को बोलते थे, इसीलिए मैं कह सकता हूं, इसी 7 करोड़ है, 7 लाख है, 7 करोड़। रमन सिंह जी बोलते थे हमारे बीच में बंद कमरा में बात होती थी। हम पूछे कि हमको कितना पैसा आपने भेजवाया, मेरे ऊपर आरोप प्रति आरोप लग रहा है खरीदी बिक्री का। भाई अभी आपने बोला जोगी जी ने आपको बेचा, खरीदा कौन? खरीदा जो देने वाला है वो खरीदा भाई, डॉक्टर रमन सिंह जी ने खरीदा भाई। कौन खरीदेगा 7 करोड़ रुपया? कौन देगा? सरकार के पक्ष के लोग ही खरीदेंगे। आपने कहा कि मैंने नहीं लिया, तो पैसा फिर किसके पास गया? हम तो इसी के लिए तो जांच चाह रहे हैं, इसी के लिए तो दूध और दूध के और पानी का पानी। देखिए एक कहावत है छत्तीसगढ़ में, एक कहावत है छत्तीसगढ़ी में, खाए पिए किसके, लोग लयका किसके, समझ गए ना? तो लेने वाला कोई, देने वाला कोई, खाने वाला कोई है? और बदनाम होने वाला मंतूराम पवार। इसीलिए देखिए मैं निष्पक्ष रूप से मैं न्यायालय के शरण में गया। यदि कोई दूसरा होता, मंतूराम पवार को पैसा मिलता तो न्यायालय के शरण में नहीं जाता, बल्कि लोग जो घूम रहे हैं ऐसा मंतूराम पवार घूमता। आज मेरा वॉइस की बात कर रहे हैं, मैंने पहले से कहा था वॉइस देने के लिए, न्यायालय आदेश जब भी करेगा मंतूराम पवार वॉइस देगा। मैं उस दिन 16 तारीख को कोर्ट में न्यायालय में गया और मैं
माननीय न्यायालय के सामने कहा कि मंतूराम पवार वॉइस देने के लिए तैयार है, आप जब भी बुलाओ। जब मंतूराम पवार वॉइस देने के लिए तैयार है, बाकी पुनीत गुप्ता क्यों नहीं दे रहा है, अजीत जोगी जी क्यों नहीं दे रहे हैं, अमित जोगी जी क्यों नहीं दे रहे हैं? इसके मतलब दाल में काला नहीं बल्कि पूरा दाल ही काला है, ये मैं कह सकता हूं। और आज भी मुझे बुलाए, मैं हर चीज को दूध और पानी के पानी करना चाहता हूं। मेरे साथ और भी साथी राजेश मूणत जी की भूमिका रही है क्या? देखिए राजेश मूणत जी का पूर्ण रूप से बहुमत उनका सहमति है। और एक भी बात और भी बताना चाहता हूं, मैं बीच में इस बात को नहीं लिया था, बाकी एक नई बात। मैं 3 तारीख को मेरे को दिल्ली बुलाया गया, वहां अस्पताल में वेदांत अस्पताल में डॉक्टर रमन सिंह जी थे, हम लोग पुनीत गुप्ता अपना ये क्या बोलते हैं पुनीत गुप्ता नहीं 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 ये केस में फंस गया है, अंदर है फिरोज सिद्दीकी, यही अक्टूबर नवंबर के पिछले 2015 के नवंबर में मैं यहां से 3 तारीख को गया, वहां पर संजय अग्रवाल और फिरोज सिद्दीकी मेरा इंतजार कर रहे थे, इनके माध्यम से मैं डॉक्टर रमन सिंह से मिला, एक रूम में हम लोग साथ में बैठे। वो विदेश से आए थे, मैडम को ले गए थे उसी दिन आए और मेरे को बुलाया, तलब किए, मैं गया। उस समय पुनीत गुप्ता भी उस रूम में आए, डॉक्टर के ड्रेस में आए, उनसे मेरा परिचय भी करवाए, ये पुनीत है बोल। और मैंने उनसे पूछा, भैया मैंने आपके आशीर्वाद लेके सारे काम किया हूं, क्योंकि विदेश में आपसे बात हुई, आपसे यानी कि बात करवा दिया था फिरोज, आपने आशीर्वाद दिया था, बाकी सारे चीज फोन में नहीं हो पाया, आज मैं आपके बीच में हूं, आप मुझे बुलाए हो, मुझे आशीर्वाद मिलेगा, आगे मेरा क्या होगा, क्योंकि हम जन सेवक हैं, राजनीति करने वाले लोग हैं, जनता की सेवा करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं आपको मेरे को एडजस्टिंग करना पड़ेगा। उसने कहा चिंता की बात नहीं है, जो मैंने कमेंट किया है, जो किया है, वो सारी चीज पूरा हो जाएगा, पुनीत यहां पर है, वो राजेश मूणत के साथ बैठ के सब सारी चीज काम कर देंगे। ये बात उसने वहां पर मुझे कहा। और इसके यकीन नहीं होगा तो 2 या 3 तारीख को मैं प्लेट में गया हूं, उसका यानी कि टिकट भी आप यानी कि देख सकते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। तो मथुरा जी आपकी नाराजगी इसी बात को लेकर है कि आपको 7.5 करोड़ नहीं मिला, ऐसा बोल रहे हैं क्या आप? नहीं देखिए नाराजगी वाली बात नहीं है, पर ये बदलाव क्यों करेंगे हमको? देखिए यानी कि पैसा वाली बात नहीं है, हमको चाहिए मान सम्मान, हम सेवक हैं, कहीं भी जाकर सेवा करना चाहते हैं, पैसा के भूखे नहीं है हम, पैसा के भूखे होते और ये इनका भी बता रहा हूँ, ये हमारे शपथ पत्र इन लोगों का है, ये मैं शपथ पत्र आप लोगों को दूंगा, शपथ पत्र भी है और इन लोगों के माध्यम से 5-6 लोगों के नाम से रिपोर्ट दर्ज धमतरी में हुआ है, उसमें डॉक्टर रमन सिंह के नाम पे हुआ है और अमन सिंह के नाम से हुआ है जो उनके मुख्य सलाहकार थे डॉक्टर रमन सिंह जी का, और ओपी गुप्ता के नाम से हुआ है और राजेश मूणत के नाम से धमतरी थाना में, ये देखिए धमतरी थाना में ये चारों के नाम से रिपोर्ट दर्ज हुआ है, ये कल हुआ है और दूंगा सबको दूंगा मैं लाया हूं। और उसके बाद ये शपथ पत्र दिए हैं, शपथ पत्र देने के बाद 6 के 6 न्यायालय में 164 का भी बयान हो गया है, ये 6 प्रत्याशी का 164 का बयान न्यायालय में श्रीमान नीरज श्रीवास्तव जी के न्यायालय में इनका 164 का भी बयान हो चुका है और इनको लालच दिया गया है 1-1 करोड़ का। इनको यह कहा गया है कि रमन सिंह के माध्यम से राजेश मूणत और ओपी गुप्ता अमन सिंह इन लोगों ने पूरा बात करवा के 1-1 करोड़ में इनका सौदा हुआ और इनका यह कहना है कि हमको किसी को 50,000 मिला, किसी को 50 मिला है, किसी को 40 मिला है, इनको पैसा दिया गया है पर 1 करोड़ रुपया 1-1 करोड़ रुपया देने का था, वो पैसा किसने खाया, इनका भी सवाल है, ये बताएंगे तो कितना कितना पैसा मिला है, ये बात आप लोगों के बीच में हमें कहना था। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो घटनाक्रम में जितने भी लोग लिप्त हैं SIT के माध्यम से इनकी जांच होना चाहिए, न्यायालय के माध्यम से जांच हो, मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि उस समय
मुझे मालूम है, मैं पेपर में देखा था, टीवी में देखा था कि जहां इस्पात में इन लोग गए उस समय प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेश बघेल जी थे, या नाम वापसी में धमतरी में, जहां वहां भी इनके साथ भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धक्का मुक्की हुआ था। और मैंने, मेरे से भी इन लोगों ने संपर्क किए थे नाम वापसी के समय में, बाकी मेरे पास समय नहीं था तो मैं पप्पू परिस्ता का नाम बता दिया था कि आप जाइए पप्पू परिस्ता से मिलिए और उनसे उनकी मदद लीजिए। इन लोगों ने पप्पू परिस्ता के पास भी गए और मदद लिए, क्योंकि पप्पू परिस्ता भी इसमें इनकी गवाह है। ये सारे निवेदन मैं आप लोगों से भी करना चाहता हूं कि मीडिया के माध्यम से पूरे जनता तक पहुंचे और दूध के दूध और पानी के पानी हो जाए। यहाँ इनकी बहुत बड़े बड़े नेता बन के जनता के सेवक बनना चाहते हैं, जो इनकी खरीदी बिक्री में इनका बहुत ज्यादा ध्यान है। आज ऐसे नेता, ऐसे पार्टी को, अभी उपचुनाव हो रहा है दंतेवाड़ा में, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ उपचुनाव में हमारे मतदाताओं को, भारतीय जनता पार्टी ने अंतागढ़ उपचुनाव में खरीद फरोख्त किया है, इसलिए वहां के मतदाता डॉक्टर रमन सिंह को और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा के सीधा नितिन के पार्टी को समाप्त की ओर बढ़े। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके दंतेवाड़ा के मतदाताओं से। नहीं देखिए, मैं तो पहले से भी कहता था और मैंने जानकारी दिया था, मेरे ऊपर दबाव, मैं प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी का इसका जानकारी दिया था राजेश तिवारी के माध्यम से, राजेश तिवारी के माध्यम से, क्योंकि मैं वहां तक पहुंचा नहीं, मैंने जरूर निवेदन किया था कि राजेश तिवारी जी को मेरी बात, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे ऊपर बहुत दबाव है, जान की खतरा है, आप मेरा मैसेज ऊपर भेज दीजिए, क्योंकि मैं आज के दिन में कटघरे में खड़ा हुआ हूं, मुझे बंधक बना के रखा गया है, मुझे जान से मारने की धमकी, ये मैंने कहा था, पर मुझे ये नहीं मालूम राजेश तिवारी ने ऊपर बताया कि नहीं बताया, वो बताएंगे। सर, कल तक आपको जान का खतरा है, इसकी बयान दिया पहले कुछ, अब इसलिए दे रहे हैं कि अब जान का खतरा, नहीं मुझे आज भी जान की खतरा है, इसलिए जान की खतरा है, मैंने देखिए इसलिए जान की खतरा है, क्योंकि बड़े बड़े राजनीति यज्ञ लोग हैं यहाँ पर, उसमें हमको महसूस तो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं मैदान से हटाने का कोशिश भी कर सकते हैं, इसलिए मैं आज ही इस बात को खुलासा करता हूँ, यदि मेरे ऊपर कहीं घटना घटती है, या मेरे परिवार के ऊपर होता है, या मेरे 6 के 6 सदस्य के ऊपर होता है, तो जिस जिसका नाम हम लोग ले रहे हैं, मीडिया में आ रहा है, शपथ पत्र दिए हैं, ये दोषी होंगे और इनके ऊपर कार्रवाई होने चाहिए। आज इस बात को भी मैं खुलासा करना चाहता हूं, हम डायरेक्ट आमने सामने लड़ना चाह रहे हैं, हमारे देखिए हमारे किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, ये हमारे आदरणीय, हमारे सिद्धांत की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, हम आमने सामने लड़ाई लड़ना चाहते हैं, यदि ये पीछे से लड़ाई लड़ना चाहेंगे ये कायर होंगे या कमजोर होंगे, तुम में दम होगा तो आमने सामने लड़ाई लड़ें, हम जो होगा आगे निपट लें। जिस कांग्रेस पार्टी ने आपको 4 बार टिकट दिया, उस कांग्रेस पार्टी के आप नहीं हुए, आपने पैसे के लिए अपनी आस्था बदल दी, तो आप सबसे ईमानदार हो गए और क्यों आपको ईमानदार माने, और किस बात को लेकर के आज जो है उस समय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बीजेपी का गुणगान किया था, आज आप उसी अजीत जोगी और अमित सिंह की आलोचना कर रहे हैं, तो दो एक ही आदमी 5 साल के अंदर 3 प्रकार की बात करेगा, तो कौन सी बात नहीं, देखिए हमने पार्टी चेंज करने के बाद, मैंने इसको पहले भी कहा, पार्टी चेंज करने के बाद जिस दिन से मैं पार्टी चेंज किया उस दिन से हम दबाव में थे, यदि दबाव में थे में हम नाम वापस लिए, दबाव में हमने के पूरा सारे चीज किए, आज किसी भी प्रकार के दबाव में हम नहीं है, 10 तारीख के बाद मंतूराम पवार आम नागरिक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शरद बांगड़ा। अंतर्गत टेप के मामले में आज फिर कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। इस मामले में मुख्य आरोपी मंतूराम पवार मीडिया के सामने कई राज खोल रहे हैं। अंतर्गत उपचुनाव के 6 दावेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, ये वो दावेदार हैं जिन्होंने चुनाव के पहले अपना नाम वापस ले लिया था। मीला बोल रहा है, महाराज मीला बोल रहा है, ईमानदार देवनाथ हिड़ को
हाँ चल तू खड़े होकर बता, यशी बता कितना तेरे को देने का था और कितना मिला बता। एक करोड़ का लालच दिए थे, मात्र 50,000 रुपया मिला और ओपी गुप्ता ने यानी किसको पैसा पहुंचाया है। महादेव मंडावी, महादेव अब सुन लो, मंडावी जी 50,000 मिला, 1 करोड़ का लालच इसको भी दिए थे, 50,000 रुपया मिला। हाँ ये पूरा हो जाए। शंकर लाल नेताम 40,000 रुपये मिला, 40,000 कितना देने का है बता, जितना सौदा कितना में किए थे? बोले थे 1 करोड़ रुपए दे देंगे लेकिन 40,000 रुपए, 40 मिला। वीरेंद्र कुमार शंकर लाल नेताम वीरेंद्र, ये नहीं इसको 60, सबसे ज्यादा इसको मिला शंकर, ये अपना वीरेंद्र को कितना देने का बात हुआ था? कौन बोले थे बता दे थोड़ा सा, कौन बोले थे? भाजपा के नेता है ओपी गुप्ता, 1 करोड़ देने की लालच की थे, अब वो भी दूसरे बताए भैया कि उसका नाम ओपी गुप्ता है, हम लोग भी देहात के हैं क्या करके भैया। तो बाकी पैसा कौन खा गया, कुछ ज्यादा कर रहा अब खाए होंगे भैया वही भाजपा वाले कोई, इनको दबाव डाल के किए बता, दबाव डाल के राजेंद्र। 5 साल हो गए क्या, ब्याज सहित पैसा चाहिए क्या? 5 साल हो गए तो ब्याज भी जुड़ता है ना, जो बचा पैसा क्या? नहीं देखिए, ब्याज के साथ साथ हम ये निवेदन करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, ये सच्चाई तो सामने आया, ये सच्चाई सामने आया। 5 साल तक ये जो चल रहा था ये अपन यानी कि सोच रहे थे कि गलत है, खरीद फरोख हुआ, ये सच्चाई है। 600 लोगों ने कह रहे हैं कि हमको 50 मिला, 40 मिला, 1 करोड़ में बात हुआ, इसको जनता के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचाएं, और जो भी दोषी होंगे न्यायालय तय कर ले। जिनका नाम हम लोगों ने FIR दर्ज करवाया है, जिसके पहले किरण भाई नायक ने FIR दर्ज करवाई है, ये सारे यानी कि दोष इनके ऊपर है और इनके ऊपर कार्रवाई होगी। मंसूराम जी ईमानदारी से बता दो कितना आपको मिला ये लोग? मैं तो पहले से कहा मेरे को मिलता मैं तो दान कर देता, मेरा दिल बहुत बड़ा है। देखिए हम मैंने किसमें अपना शपथ पत्र में लिखे हैं, मेरे नाम से राजेश मूढ़त के बंगले से फिरोज सिद्दीकी और अमीन मेमन ये मेरे को दिखाए हैं, क्योंकि उनका ये कहना था मंतुराम पवार का चेहरा सामने लाओ, तो मेरे को दिखा के इन लोगों ने पैसा दिया। और मैं पूछा कितना है तो बोले 7, और गाड़ी में डाल के कहाँ ले गए वो फिरोज बताएगा और अमीन मेमन बताएगा, मंतुराम पवार को नहीं मिला। ये तो बोल रहे हैं ओपी गुप्ता है, अमन सिंह है, हाथ में कौन लिया, तुम लोगों के हाथ में कौन लिया बताओ? नहीं देखिए, पहले हम इसलिए दबाव थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार था, वो दिन बोले तो रात को भी हम दिन बोलते थे और दिन है तो रात को भी रात नहीं बोल पाते थे। आज देखिए हम दबाव में नहीं, ना हमारे ऊपर सरकार की दबाव है, ना हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की दबाव, हम आज के दिन में आम नागरिक हैं। यदि इसी बात को हम भारतीय जनता पार्टी या किसी और भी पार्टी में जाके बोलते तो लोग बोले राजनीति भाषा बोल रहा है, हम एक आम आदमी के हिस्से से इस बात को बोल रहे हैं, और जो यानी कि हुआ है हमारे साथ घटनाक्रम उसको हम इस प्रश्न का आप लोगों के सामने रखें। FIR दर्ज इन लोगों ने 6 के 6, मामला ये है मैं दे रहा हूँ, मामला ये है कि हम लोगों के साथ खरीदी बिक्री हुआ है, जबरदस्ती इनकाउंटर करने के नाम से, मारने पीटने के नाम से हमारा नाम वापस लिया गया,
एक एक करोड़ की बात हुई थी, उसमें बाकी पैसा को किसने खाया, ये जांच की विषय है। इसने इन लोगों ने FIR दर्ज करवाया है, जिसका नाम है डॉक्टर रमन सिंह जी, अमन सिंह जी, ओपी गुप्ता और राजेश मूर्त। ये मेरे पास इनका पूरा कॉपी है। और कोई बात? अच्छा, में हत्या हुई है, लोग दे रहा हूँ, मैडम दे रहा हूँ ना। Yeah, I think